भाइयों और बहनों, आज जो डाक टिकट जारी किए गए हैं उनमें एक की तरफ मैं ध्यान दूंगा। वैसे त्रिगुणा जी का तो परिवार ही यहां मौजूद है और कई जिनके डाक टिकट उनके परिजन यहां आज उनके भी दर्शन करने का अवसर मिल रहा है, लेकिन एक मैं उल्लेख जरूर करना चाहूंगा। उसमें एक डाक टिकट है दिनशो मेहता जी का। अब ये नाम चर्चा में बहुत कम आता है, लेकिन दिनशो मेहता जी गांधी जी के पर्सनल फिजिशियन थे और वो नेचुरोपैथी को समर्पित थे। पूरी तरह अपना जीवन की हर चीज में नेचुरोपैथी सबसे पहले रहती थी और उसका प्रभाव गांधी जी के जीवन पर भी था। और गांधी जी कहते थे कि प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा जीवन जीने का तरीका है। यह किसी इलाज का तरीका नहीं है। ये इस बात में बहुत बड़ी ताकत है जो गांधी जी ने कही है। उन्होंने ताउम्र इस बात पर अमल किया और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को जीवन का आधार बनाया। साथियों, गांधी जी ने जो सीखा था उसके पीछे भारत की प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव हेल्थ केयर से जुड़ी एक समृद्ध विरासत रही है। हमारे पास हजारों वर्षों पुराना लिटरेचर है, वेदों में गंभीर बीमारियों से जुड़े इलाज की चर्चा है, लेकिन दुर्भाग्य से हम अपनी इस पुरातन रिसर्च को, ज्ञान के इस खजाने को आधुनिकता से जोड़ने में इतने सफल नहीं हो पाए। और इसी स्थिति को बीते 5 वर्षों में हमने लगातार बदलने का प्रयास किया है। उसकी एक सेंटिटी बने, उसका एक साइंटिफिक वर्जन तैयार, जो लैब के अंदर तराशा गया हो, जिसको मेडिकल साइंस की दुनिया समझ सके, इस रूप में उसका प्रस्तुतिकरण हो। और इसी के तहत आयुष को भारत के हेल्थ केयर सिस्टम का अहम हिस्सा बनाने पर बल दिया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि आयुष परिवार में सोवा रिगपा सिस्टम को शामिल किया गया है और हमारा जो लेह लद्दाख है वहां पर अब उसका एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सेंटर विकसित किया जा रहा है। आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, इसके बाद सोवा रिगपा आयुष परिवार का 6ठा सदस्य हो गया है। और इस इनिशिएटिव के लिए भी मैं मंत्री जी को और उनके विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूं।